बसमिल आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ब्लैक ह्यूमर ब्लैक कॉमेडी और ट्रैजिक कॉमेडी यानी एडवर्ड बाउंड का जो ड्रामा है द सी वो उसके बारे में है कि वो ट्रैजिक कॉमेडी यानी मज़ा भी है और संजीदा गमनाक ज़्यादा भी उसमें करैक्टर्स पाए जाते हैं तो देखते हैं जी क्या कहता है कि एडवर्ड बाउंड इज़ वन ऑफ़ दी मेजर लिविंग इंग्लिश प्ले राइट एक अहम जिंदा Uh, मुनफान में से वो एक है द सी अ रिमार्केबल एंड थाट प्रोवोकिंग स्पेसम ऑफ ब्लैक कामेडी ब्लैक कॉमेडी का एक रिमार्केबल काबिल तरीफ़ और प्रोवोकिंग स्पेसमन और उभारने वाला एक स्पेसमन नमूना है द सी इज़ प्रॉबली बाउंड फाइनेस प्ले उसका शानदार ड्रामा है दैट कम्बाइन फार्स एंड ट्रेजिडी जो अपने अंदर समोए है फार्स यानी मज़ा एंड ट्रैजडी और अलमिया ब्लैक कॉमेडी इज़ अ जेनर ऑफ़ लिटरेचर की एक शाख है इन विच पोटेंशली प्लेजेंट एंड ट्रेजिक सिचुएशन आर ट्रीटेड जिसमें पोटेंशली ख़ास तौर पर खुशगवार और अलमनाक सूरत हाल जो होती हैं आर ट्रीटेड विद सीनिकल एम्यूजमेंट सीनिकल कहते हैं इंतहाई तंजिया किस्म की तफरी जो होती है नफ़रत अंगेज़ तफरी कह लें किसी से बर्ताव मैनी मॉडर्न प्लेस एक्सिबिट्स डिसंस डिसंस कॉमिक डस्पेयर बहुत से दौर जदीद के मुनफिन जो हैं उन्होंने डिसंस ये ख्वाबों के टूटे होने वाली कॉमिक डस्पेयर मजा मायूसी जो है वो दिखाई है बेकेट एल बी एंड पिंटर आल्सो रोड ब्लैक कॉमेडीज़ इन्होंने भी लिखी हैं ऑन दी अदर हैंड द प्ले हैज़ बेस्ड ऑन शेक्सपियर द टेम्पस्ट लेकिन ड्रामा शेक्सपियर के टेम्पस्ट को कॉपी करता है टू सम समस्टेंट द विंटर स्टेल जो शेक्सपियर का ड्रामा उसको भी कॉपी करता है और सन्स वेल्स रिगार्ड्स द सी एज अ कॉमेडी मिक्सिंग द वेट ऑफ एल्फर्ड हिच कुक ये क्रिटिक ये कहता है कि ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसमें मिक्स किया गया है अकल एल्फर्ड हिच कुक की अकल है इसके अंदर द एलिगेंट ऑफ हावर्ड एंड और हावर्ड एंड का की शान है इसके अंदर एंड द डिस्टर्बिंग पावर ऑफ द डब्ल्यू जी वेल्स जी वेल्स की जो परेशानी की ताकत थी एज अ असन्फ़ ये तीनों मुसनफिन को मिला के वह एक कॉम्बिनेशन बनाया है इसने एडवर्ड बाउंड ने इन सच अ प्लेस ह्यूमन बींगस आर डिपिक्टड ए हेल्पलेस पर्पड़ इन दैंड्स ऑफ ब्रूटल एंड नाइट मेयर फोरसेस इस तरह के ड्रामों के अंदर जो इंसानियत होती है उसको डिपिक्टेड पेश किया जाता है बेबस आ, कट पुतलियाँ इन दैंड ऑफ यानी वैशियाना एंड नाइट मेयर और ड्रोनी ताकतों के आगे फोर्सेस। एज वी सी द एक्शन ऑफ द प्लेस सेट इन अ स्मॉल टाउन टू कोस्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के मशरकी साहिल पर यह ड्रामा फिल्माया गया है जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1907 में पहली जंगीम से पहले द वेरी ओपनिंग सीन इज ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक है टू यंग मैन कॉलन एंड वीली आर कॉर्ट इन वायलेंट स्टॉप में फंस जाते हैं एंड देर बोट कैपसाइज उलट जाती है ओनली विली सर्वाइव बचता है सिर्फ हंस द प्ले है ट्रैजिक गलूमी ओपनिंग चूंकि ड्रामा की स्ेंचुली ख़ास तौर पर जो ओपनिंग है जब यह खुलता है पहले सीन में तो ये ट्रैजिक भी है एंड गलूमी भी है और उदास कर देने वाली भी आ, का इसका आगाज है द डेड मैन कॉलन इज़ लोकल बॉय है वो लव टू वर्क काम से मुहब्बत करता है एंड एवरी वन इन द टाउन और कस्बे में हर कोई विलेज आल्सो लव्ड हिम और गांव वाले भी उसे प्यार करते हैं दीज क्वालिटीज़ लैक्ट इन अदर विलेज दूसरे गांव वालों में इस चीज़ की कमी होती है ख़ूबियों की ना मिसिस राफ़ी इज़ द डोमेटिंग पर्सनैलिटी गालिब आने वाली शख्सियत है हु होल्ड द होल टाउन अंडर हर स्वे जो सारे कस्बे को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है शी इज़ द बी क्वीन ऑफ द टाउन वो कस्बे की जैसे मक्खियों की मलका होती है शहद की वो है एक्सट्रोवर्ट है बाहर की तरफ रहने वाली बाहर के हालात में रहने वाली इस सेंट्री सेंट्रिकीबो गरीब एंड अन है शी हर सेल्फ़ एक्सपोज इन सीन सेवन वो अपने आप को बेनकाब करती है सीन सेवन में शी सेज सम टाइम आई थिंक आई एम लाइक अ लाइट हाउस इन दिस वर्ल्ड मैं इस दुनिया में एक शमा की तरह हूँ आई गिव दैम अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी और मैं कस्बे के लोगों को तरतीब और तहफ़ का एहसास देती हूँ शी इज़ बोथ द कॉज ऑफ़ डिलइट एंड डेस्पेयर इन द प्ले वो ड्रामे में मायूसी और खुशी की अलामत है एज लॉन्ग एज शी इज़ ऑन द स्टेज द सिचुएशन इज़ ट्रैजिक एज वेल एज कॉमिक जैसे ही वो स्टेज पर आती है तो ड्रामे की जो स्टेज सेटिंग है वो ट्रैजिक भी हो जाती है और कॉमिक भी हो जाती है रादर एट वन प्लेस मिसिज राफी रिमार्क्स अबाउट हैच विच इज़ हाईली हिरोनिकल एक मौका पर मिसिज राफ़ी जो है वो जुमला बोलती है हैच के बारे में जो बहुत ही तंजिया है हैव यू नो रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक ओपिनियन क्या तुम्हारे अंदर लोगों की राय का कोई डर नहीं है शी ऑस्ट्रोसाइज हैच फ्राम सोसाइटी वो हैच को मुआशे से डराती है शी प्रटेंट्स टू बी अ कस्टोडियन ऑफ़ मोरलिटी एन आर्ट वो कहती है कि मैं रखा यानी कस्टोडियन कहते हैं निगरानी करने वाला ऑफ मोरलिटी एन आर्ट कहती है मैं अखलाकियात और फ़न की मुहाफ़ हूँ प्रिटेंट्स उसका बहाना भी करती है शी डिप्राइव्स पीपल फ्राम लाइफ वो ज़िंदगी से महरूम करती है शी इज़ रिस्पांसिबल फॉर हैच इनसेनिटी जहनी बीमारी की वजह है हैच की वो उसकी जिम्मेदार है इज़ वेरी अथॉरिटेटिव बाय नेचर फितरतन बड़ा हुक्म जमाने वाली है शी ऑलवेज सप्रेस मिस इस टाइल हो उसको दबाती है एट द सेम टाइम शी इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ वो जरिया है एक बहुत बड़े मज़ा और तफरी का द सी हेज़ अ टिपिकल बैकग्राउंड फॉर आ ट्रेजिक एंड अूमरस प्ले समर द सी ड्रामा जो है इसका एक बड़ा रवायती सब पस मंज़र है जो बड़ा ट्रैजिक भी है और मज़ाया भी है फॉर कॉमेडी इट हैज़ क्वाइट एंड अनयूजल बैकग्राउंड कॉमेडी के लिए इसकी गैर स पस मंज़र है द यूज़ ऑफ बैकग्राउंड फ़ॉर अ कॉमेडी शोज एडवर्ड इनोवेटिव टेक्निक्स जो कॉमेडी के लिए उसने ये बैकग्राउंड यूज़ किया है इसमें एडवर्ड बाउंड की एक बड़ी इनोवेटिव उभारने वाली टेक्निक है एंड हीज़ न्यू एक्सपेरिमेंट्स और उसके नए तजर्बात थ्रू आउट द प्ले द सीज़ यूज एज़ अ टूल फॉर नरेशन सारा ड्रामा जो है उसमें समंदर को एक आल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है फॉर नरेशन ताकि ड्रामा बयान किया जा सके इट इज़ कॉन्सटेंटली प्रेजेंटेड एज आ मैनिफेस्टेशन ऑफ़ द मायरेड्स ऑफ मूड एक ही वक्त में ये मुसलसल प्रजेंटेड ये ड्रामा पेश करता है मैनिफेस्टेशन इज़ हार मायरेड्स बेशुमार ऑफ मूड्स का और इमोशंस का दैट रिपल थ्रू द विलेज जो गाँव के अंदर हमें रि रिपल छींटों को कहते हैं यानी यहाँ इजहार से मुराद है इसकी पीपल हु लिव बाय सी लोग वो जो समंदर के करीब रहते हैं नेवर गेट अवे फ्रॉम इट्स साउंड इसकी आवाज़ से परे नहीं जा सकते इट्स मरमरस इसकी बुढ़ बड़ाहट रोस इसकी गरज इस सूथ इसका सुकून थ्रेटन्स इसकी धमकियाँ एंड शिफ्ट लाइक एन अन आंसर्ड और इसके मूड ऐसे बदलते हैं जैसे आ, ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब न दिया गया हो सी इज़ अ डोमेन ऑफ लाइफ ज़िंदगी का मैदान है ये समंदर विच डेमस्ट्रेट्स जो वजाहत करता है दी फ्लक्सिस ऑफ लाइफ ज़िंदगी के मजाज और मुख्तलिफ़ किस्म की लचक को विच मेक्स द प्ले क्वाइट सीरियस बना देता है ड्रामे को एंड सोम्बर कहते हैं खौफनाक और ख़तरनाक लाइट फ्राम द बिगिनिंग जो शुरू से ये में नजर आती है तो शी सी शोज़ फ्लक्चुएटिंग मूड्स ऊंच हिलते जुलते मूड्स की अकासी करता है सिमिलरली द करेक्टर्स ऑफ द प्ले रिप्रेजेंट डिफरेंट मूड्स एंड एटीट्यूड्स को ज़ाहिर करते हैं करैक्टर सोम्बर एंड सी डी एस ई टी सी बिज इज हैच द लोकल ड्रैपर कपड़े रंगने वाला या काम करने वाला दो द फेस वैल्यूज सीम्स टू बी कॉल जबकि चेहरे से वो बड़ा बुरस्कून दिखाई देता है अपराइट दुरुस्त एंड रिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है येट अंडर द सर्फेस लेकिन सतह से नीचे दे लर्कस न्यूरोटिक मैन इन हिम लर्क्स का मतलब होता है लहराना न्यूरोटी कहते हैं पागल आदमी उसकी सतह से नीचे है वो अपने अंदर से मिसिज राफी सेज़ अबाउट हम ओवर इमेजिनेटिव फॉर ड्रेप फॉर आ ड्रेप के वो बहुत ज़्यादा तखीलाती है ही इज़ कन्विन्सड ऑफ द एग्जिटेंस ऑफ एलियंस वो कायल हो जाता है इस चीज़ के वजूद रखती हैं गैर स्यारों की मखलूक एलियंस गैर मुल्की हु प्लेज अ वाइटर रोल इन द ट्रेजिक डेथ ऑफ पीपल जो लोगों की अलमनाक मौत में जिम्मेदार है एज ही बि जैसे कि वो यकीन रखता है देर ब्रेंस आर टेकन आउट एट नाइट के इंसानों के दिमाग रात को निकाल लिए जाते हैं बिट बाई बिट थोड़े थोड़े करके रिप्लेस बाई आर्टिफिशल मटीरियल और उनके अंदर आर्टिफिशियल मटीरियल डाल दिया जाता है ब्रॉड हेयर जो ज़मीन पर लाया जाता है आर्टिफिशल मटीरियल इन एयर स्पेस शिप्स यानी ख़लाई मखलूक जो है ख़लाई जहाज़ों में लेके आती है यदि एनअल लोकल बॉय

ख़ुद कलामी में टूअर्ड द एंड ऑफ प्लेस दैट शी इज़ अवेयर ऑफ हर रेडिकुलसनेस एंड बॉसनेस वो कहती है कि वो अपने मजा मूड और मजाज के बारे में वाकिफ़ है और बॉस बनने की भी सलाहियत से शी सेस शी इज़ अ स्टाइलिस्टिक वूमन है अ डारमेंट है असर्टेटिव है फैशनेबल है शॉर्ट टेम्पर्ड है एंड क्वाल लाइका यानी मक्खियों की मलका की तरह से है एवंस इज़ दाइजस्ट फूल एक अकलमंद बेवकूफ है हु लिवज इन अ हर्ट ऑन द बीच जो साहल के किनारे रहता है एक हार्ट में एंड ही इज़ फ़ियर्ड बाय ऑल फॉर हिज ऑर्थोडॉक्स वेज और वो खौफजदा रहता है अपने दरमियाने ख्याल और अंदाजों की वजह से एंड हु इज़ इनफैक्ट सेनेस्ट ऑफ ऑल और हकीकत वही है जो ड्रामे में सबसे ज़्यादा सेनेस्ट है अक्लमंद है ही हैज़ ऑप्टेड आउट हिज दिस वो ये नतीजा निकाल चुका है फाइट अगेंस्ट सी समंदर के ख़िलाफ़ लड़ने के ही हैज़ एक्सेप्टेड फॉर ऑल द वंडर्स एंड मिस्ट्रीज वो कबूल करता है तमाम हैरत अंगेज़ और पुरसारीत समंदर की हिज़ करक्टर आल्सो प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द वेरी आउट उसका किरदार ड्रामे के आगाज़ में हमें रिलीफ सुकून देता है बट हीज़ लेकिन उसकी स्पीच इन द फाइनल सीन लेकिन आखिरी सीन के अंदर जो उसकी तकरीरें हैं आर फुल ऑफ थाट एंड रीज़न वो ख़्याल और अक़ल से भरे हुए हैं एज ही सेज जैसे वो कहता है आई बिलीव इन सैंड एंड स्टोन मैं पत्थर और ज़मीन पर यकीन रखता हूँ एंड वाटर पानी पर बिकॉज ऑफ विंड स्टीयर्स डैम क्योंकि हवा इनको हलाती है जुम्बिश देती है इन टू आर डर्टीसी फिर एक गंदा समंदर बनता है एंड इट गिव्स बर्थ टू द लिविंग थिंग्स और फिर ज़िंदा चीज़ों को ये जन्म देता है आई बिलीव द यूनिवर्स Liz, मुझे यकीन है कि यह कायनात रहती है या रहेगी इट टीम्स विद लाइफ और यह कायनात ज़िंदगी से भरी हुई है एट अनदर प्लेस एक और जगह पर ही रिमार्क्स वेयर देर इज़ लाइफ इट किल्स थिंग्स जहाँ ज़िंदगी होगी वहाँ पर चीज़ें मरती भी हैं आफ्टर ऑल यही हकीकत है मिसि स्टाइल हाउस करैक्टर प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ मिसिस स्टाइल हाउस का किरदार हमें आ, यानी रिलीफ मुहैया करता है हर स्लीपिंग स्पेशली ख़ास तौर पर उसका सोना वैन मिसिज राफी इज डिलीवरिंग अ स्पीच जब मिसिस राफी एक तकरीर कर रही होती है एन हेर फिडल नेचर और उसकी आ, एक जाली फितरत म्यूज हमें हंसाती है अलॉट बहुत ज़्यादा बट इट इज़ ट्रैजिक टू नोट लेकिन ये बात अलमनाक है नोट करना देट शी हेज़ आल्सो बिन बिकमिंग अ साइकोपेशन वो बन जाती है एन इज़ गॉन टू अर्ड्स इंटरटी और जहनी बीमारी की तरफ चले जाती है यानी पागलपन की तरफ रोज एप्टोमाइजिस आइडलिजम रोज इस ड्रामे में एप्रोमाइजिस खलासा है आइडोज़म ख्याल प्रस्ती का ट्र्यू लव होप एंड इंस्परेशन सच्ची मोहब्बत उम्मीद और मुतासर होने का <coughs> सॉरी हर करैक्टर्स थ्रू आउट द लीव्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेजिडी उसका किरदार पूरा ड्रामा जो है उसके अंदर हमारे ऊपर एक असर छोड़ता है अलमी का शीज़ अ वीक वुमन है एंड लैक इनिशियेटिव और उसमें कमी है इब्तः करने की इनिशिएटिव कहते हैं किसी चीज़ की इब्तः करना प्ले डील्स विद ह्यूमरस और रिडिकुलस सिचुएशन को पेश करता है एंड एंडिंग ऑफ द प्ले इज़ आल्सो नॉट ट्रैजिक नहीं है देर आरचली द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी है देयर फॉर इट नॉट बी रॉन्ग टू लेबल इट ब्लैक कॉमेडी तो इसलिए ये गलत नहीं होगा इस पर लेबल लगाना का ये ब्लैक कॉमेडी है और अब ब्लैक ह्यूमर है सो दिस टर्म कै नाट ओनली बी एम्प्लाई टू एडवर्ड बाउंड के ड्रामा को नहीं अप्लाई किया जा सकता इस टर्म को इस तरकीब को द सी बट आल्सो नॉट टू द प्ले राइट्स ऑफ द थिएटर ऑफ एबजर्ड और ना ही जो ड्रामा नगार हैं एबजर्ड थिएटर के बाउंड डील्स विद ट्रेजिक कॉमेडी बाउंड ट्रेजिक कॉमेडी यानी अलमनाक मजाक को पेश करता है द बिटवीन रियल एंड द रोमांटिक यानी रोमांटिक और रियल के दरम्या तजाक इज़ मिक्सिंग ऑफ ट्रैजिडी एंड कॉमेडी इज अ साइन ऑफ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न ईयर उसका ट्रेजडी और कॉमेडी को मिलाना एक साइन है स्ट्राइकिंग फ़ीचर है बड़ा ही मुतासर करने वाला अनसर है दौरे जदीद के लोगों के कानों के लिए बाउंड हैज़ क्वाइट स्किलफुली ब्लेंडेड एलिगेंस विद ट्रेजेडी ब्लेंड ने बड़े हुनरमंदाना अंदाज़ में ब्लैंड में लाया है एलिगेंस शानोशौकत को मज़ाक को विध ट्रेजडी के साथ द प्ले डज़ नाट प्रोवोक हिलीरियस लाफ्टर ये ड्रामा ना सिर्फ प्रोवोक उभारता है हमारे अंदर एक पुरजोश कह का इट्स सिंपली टिकल्स ये ड्रामा हमें सहलाता है हमें सॉफ्ट करता है एंड प्रोवोक्स हाई हाई एंड प्रोवोक लाइट स्माइल और हल्की भुल्की मुस्कुराहट भी उभारता है हमारे अंदर द प्ले वंडरफुली क्रिएट्स डायनामिक सीन्स ऑफ ब्लैक कॉमेडी ये ड्रामा हैरत अंगेज़ तौर पर पैदा करता है डायनामिक बड़े ताकतवर सीन्स ब्लैक कॉमेडी के एंड फोर्स और ताकत के द फ्यूनरल सीन ख़ास तौर पर जो फ्यूनरल सीन था द वे हैच ल्यूड्स टू वो अंदाज जिससे हैच मैसूर करता है इंट्रीनस ऑफ एलियंस के कैसे गैर मुल्की एलियन्स गैर मखलूक जो है जो इस दुनिया की नहीं है इंट्रियस कैसे वो घुसी हुई है आल्सो अपियर्स ये चीज़ भी हमें बड़ी मजा दिखाई देती है एन आ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट का ज़रिया है इन देंड वी सी द स्टाम सबसाइट्स फिर हम आखिर पर देखते हैं कि जो तूफ़ान है सबसाइट्स वो बराबर कर देता है नॉर्मेलिटी एंड कॉल आर अगेन रिस्टोर्ड नॉर्मेलिटी और सुकून जो है वो दोबारा बहाल हो जाता है बिटन मेमरीज डिसअपियर तलख यादें जो हैं वो गायब हो जाती हैं लाइक अ सैंड कैसल्स ऑन द बीच जैसे कि साहिल के ऊपर आप रेत के मीनार बनाएं या किले बनाएं एंड वंस अगेन पीपल प्रिक देयर गाइजज़ ऑफ़ रिस्पेक्टबलिटी और एक मरतब फिर लोग जो हैं पिक देयर उठा लेते हैं गाइजेज अपने भीस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी इज़्तार होने के एंड कोरम और अंदाज एज़ एवं इन द फाइनल सीन जैसे कि एवं जो है वो आखिरी सीन में कहता है कि लाइफ गोज ऑन जिंदगी तो चलती रहती है हैंस द प्ले हैज़ अ हैप्पी एंडिंग है इट क्लियरली शोज़ दैट द प्ले इज़ अ सटल ब्लैंड ऑफ ट्रैजडी एंड कॉमेडी का सटल ब्लैंड बड़ी शानदार अमेजिश है ब्लैक ह्यूमर एंड फार्स की फार्स भी मजाक कहते हैं एज आ रिनआउट क्रिटिक जैसे कि बहुत बड़ा मशहूर क्रिटिक कहता है डेवड हर्ड गैसिस उसका ये अंदाज़ा है दीज टाइटली निट कि इसको बड़े टाइट अंदाज से बुना गया है वेल ऑर्गेनाइज है एंड लाइट ह्यूमर्ड ब्लैक कॉमेडी और हल्का बुल्का मज़ा और ब्लैक कॉमेडी है नॉट इवन ट्रैजिक कॉमेडी बल्कि वो ट्रेजिक कॉमेडी नहीं है रेस्ट ऑफ दिनमेंट्स ऑफ एम ए इंग्लिश पार्ट वन पार्ट टू ऑल सेक्शंस एंड सेमेस्टर्स ऑफ बी एस इंग्लिश आर कंप्लीटली ट्रांसलेटेड लाइन बाई लाइन एंड वर्ड बाई वर्ड आर अवेलेबल इन द्ले लिस्ट ऑफ My channel and intermediate English graduation, ADA, ADS, spoken English, and IELTS lectures are also available. See you next time in the next video. Bye bye.